हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे पास ग्लैमर न्यू मॉडल आई है, जो FI वाला वेरिएंट है। ये देखिए दोस्तों, कंफर्ट FI वाला वेरिएंट है और ये FI वाला वेरिएंट है। तो दोस्तों बहुत से लोग हमको कमेंट कर रहे थे कि भाई BS6 की गाड़ियों में जो होता है हम RPM कैसे कम ज़्यादा कर सकते, यही आज की वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए एग्जांपल के लिए हमारे पास ग्लैमर BS6 गाड़ी है, FI वाली है, ठीक है दोस्तों। और इसमें देखिए दोस्तों कोई भी कार्बोरेटर का फंक्शन नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर कार्बोरेटर का फंक्शन होता है तो हम लोग मिक्सर स्क्रू ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी कार्बोरेटर का फंक्शन नहीं है। तो इसको हम कैसे सही करेंगे, इसका जो है RPM कैसे बढ़ाएंगे, कैसे कम करेंगे? तो दोस्तों माइलेज सेट करने के लिए तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हम माइलेज इसमें सेट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसका जो RPM है ये हम सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यही मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों माइलेज क्यों नहीं सेट कर सकते, क्योंकि इसमें माइलेज सेट करने के लिए कोई भी स्क्रू नहीं दिया गया है और इसमें ICU सिस्टम लगा हुआ है। तो दोस्तों इसमें ये सब सेंसर लगे हुए हैं, ये सारे सेंसर बता देते हैं कि गाड़ी को कितना पेट्रोल चाहिए और कितना नहीं चाहिए, उसी हिसाब से गाड़ी पेट्रोल लेती है, उसी हिसाब से गाड़ी चलती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही चीज़ होती है कि इसीलिए इसमें जो है माइलेज सेट करने का स्क्रू नहीं दिया गया है, ठीक है दोस्तों। लेकिन RPM सेट करने का स्क्रू दिया गया है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों RPM सेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी 2.5 नंबर की एलंकी ले लेनी है। तो दोस्तों जो मिस्त्री भाई हमारे हैं वो 2.5 नंबर एलंकी जानते हैं, और दोस्तों ये 2.5 नंबर एलंकी कहाँ लगती है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों डिस्कवर में जिसमें डबल प्लग लगता है उसमें एक साइड में प्लग के नीचे जो लगता है नट लगता है उसमें ये 2.5 नंबर एलंकी लगती है। लोकल मार्केट से आप ले सकते हैं, 2.5 नंबर एलंकी बोल दीजिएगा तो आपको मिल जाएगी। तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है आपका, ये देखिए दोस्तों ये एलंकी में ये स्क्रू लगा हुआ है, ये वाला स्क्रू लगा हुआ है, इसी को हमको कम ज़्यादा करना है। तो इसको किस तरीके से सेट करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगा। इसकी दोस्तों रेस बहुत ज़्यादा है तो इसको हम कम करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको किस तरीके से सेट करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसको हमको सिंपल से लगा लेना है, इस तरीके से लगा लेंगे। ये हम लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हम इसको स्टार्ट करके आपको दिखा देते हैं। और देखिए दोस्तों इसकी जो रेस है ये काफी ज्यादा है, तो इसको हम कम करेंगे। कम किस तरीके से करेंगे ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली है, ये देखिए दोस्तों इसकी रेस जो है काफी ज्यादा है, इसकी रेस बढ़ी हुई है। तो आपको क्या करना, अगर आप इधर करेंगे तो रेस कम हो जाएगी, ये देखिए रेस कम हो गई है, और अगर आप इधर करेंगे तो रेस बढ़ जाएगी, ये देखिए दोस्तों रेस बढ़ रही है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आपको इसकी जो रेस है RPM जो है सेट करना है, ठीक है दोस्तों। सिंपल से कुछ नहीं करना, इधर करेंगे तो रेस कम हो जाएगी, ये देखिए कम हो गई है, और इधर करेंगे तो रेस बढ़ जाएगी, ये देखिए बढ़ गई है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको आशा करता आपको समझ में आ गया होगा कि इसके एक ग्लैमर जो न्यू मॉडल है BS6 की गाड़ी है उसका RPM कैसे कम ज़्यादा करना है, ठीक है दोस्तों। माइलेज हम सेट नहीं कर सकते क्योंकि माइलेज जो होता है वो हमारा कार्बोरेटर, जो इसमें कार्बोरेटर तो है नहीं, तो दोस्तों इसमें अपने आप पेट्रोल सप्लाई होती है। तो दोस्तों माइलेज तो हम नहीं सेट कर सकते, लेकिन जो RPM होता है वो इसी तरीके से हम सेट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हम ज़्यादा है तो इसको इस तरीके से इधर घुमा देंगे तो ये कम हो जाएगा, और इधर साइड ऐसे घुमा देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये ज़्यादा हो गया और इसको हम इस तरीके से कर देंगे, ये कम हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलता है आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।